हेलो गाइस, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। फिर से भाई साहब एक और वीडियो में जो पोस्टपोन को लेकर यह तमाशा यानी कि बवाल मच रहा है। ट्रिपल आर पोस्टपोन तो हो गई है, फाइनली पोस्टपोन हो गई है, यानी कि अब ये जनवरी 7 को नहीं आने वाली है। न्यू रिलीज डेट कैसे आती है मैं आपको बताते जाऊंगा इस वीडियो में। रिलीज डेट भी बता रहे, यानी कि फिल्म कब तक आ सकती है ये भी बताने वाला हूँ। और तो राधेश्याम के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम ट्रिपल आर को लेकर बात करेंगे। तो भाई साहब ट्रिपल आर यानी कि जो कोविड के खातिर ओमिक्रॉन के खातिर जो ये मच रहा है, जो पोस्टपोन को लेकर इतने दिनों से चल रहा था, पोस्टपोन को होकर ये स्क्रीन पर आया होगा। इनके मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि फिलहाल लगता है 7 जनवरी को तो फिल्म नहीं आ रही है। तो फिल्म कब आएगी? हाँ दोस्तों, ये फिल्म यानी कि ये तो प्रोसेस यानी कि जो थिएटर बंद होने का हो रहा है, तो भाई साहब ये कम से कम दो या तीन महीने तक तो चलेगा, लेकिन 2 या 3 महीने तक ये फिल्म नहीं आने वाली है। पूरी कंडीशन पूरे नॉर्मल होने के बाद ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है। नॉर्मली हमें अब तो फिल्म तो देखने को नहीं मिलेगी 7 जनवरी को, तो ये आगे ही देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे हम राधेश्याम को लेकर। हाँ दोस्तों, जैसे ही हमें ये तो बिग बजट की मूवी है, एक पैन इंडिया फिल्म है, हम सबको पता है ट्रिपल आर भी एक पैन इंडिया फिल्म ही है। तो भाई साहब राधेश्याम को भी लेकर इसके मेकर्स अभी मीटिंग में लग गए हैं, ये सोच में पड़ गए हैं कि हम ये 14 जनवरी को ये फिल्म रिलीज करें या ना करें। इसको लेकर एक भी अंदर से खबर आ रही है कि राधेश्याम भी रिलीज हो सकती है नहीं हो सकती है, इसे भी क्वेश्चन मार्क रखा गया है। तो भाई साहब ये न्यू पोस्टर हमें इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 14 जनवरी को आ सकती है। हाँ दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है 14 जनवरी को आ सकेगी, क्योंकि पैंडेमिक इस मौके पर केसेस इसके बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े मूवीज पोस्टपोन को आगे ढकलते ही जा रहे हैं। जैसे त्रिवर ले लीजिए और जेसी ले लीजिए। तो भाई साहब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राधेश्याम भी पोस्टपोन हो सकती है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप कैसे लगा वीडियो? आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और तो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे बढ़ने से पहले बॉलीवुड से कहीं से कुछ भी अपडेट आती तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई साहब प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, मेरे 600 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, तो कर देना। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना, तो हम चलते हैं। जय हिंद।